ఉల్లి ధరలు కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నాయి. ఉల్లిపాయలు కొనాలంటే జనం భయపడుతున్నారు. సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు ధరలు అందకుండా పోతున్నాయి. ఏకంగా కేజీ ఉల్లి 100 రూపాయలకు చేరుకుంది. మహారాష్ట్ర భోపాల్ నాగ్పూర్ లో ఏకంగా సెంచరీ కొట్టడంతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడంతో రేట్లు భారీగా పెరిగాయంటున్నారు వ్యాపారులు. కేంద్రం చర్యలు తీసుకుని ఉల్లి ధరలు తగ్గేలా చూడాలంటున్నారు. అటు రైతులు మాత్రం ధరలు పెరగడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర దొరుకుతోంది. अभी प्याजी महंगी हो जाएगी तो आम इंसान क्या बनाएगा, क्या खाएगा, कैसे करेगा? अभी 100 रुपए किलो चल रही है प्याज, तो अभी 100 रुपए किलो में अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी इसका, तो ये आगे चल के 200 भी होगी, 500 भी होगी, और ऐसे करके महंगाई बढ़ती गई तो आम इंसान तो मरी जाएगा, वो मरी रहा है। हाँ हाँ, वो तो है, ये तो बेसिक चीज है। प्याज पे तो गवर्नमेंट बदल चुकी है पहले। क्या लगता है आजकल लोग वो हो गए हैं, इतने ज्यादा परेशानी में भी चुप रहने लगे हैं। पहले पेट्रोल डीजल कम होता था, बढ़ता था तो आसमान उठा लेते थे अपोजिशन वाले, आजकल वही पावर में भयंकर आसमान छू रहे हैं तो कोई कुछ कह नहीं रहा। मुश्किल तो है, पर फिर भी एक बार मिडिल क्लास और अपर क्लास अफोर्ड कर सकता है, पर लोअर क्लास जिनका बेसिक इंग्रेडिएंट ही फूड का प्याज है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ तो गवर्नमेंट को इस रिलेशन में करना ही चाहिए। या तो होर्डिंग्स चल रही है अननेसेसरीली उसके रेट्स बढ़ाकर, और उसको इतना बनाया जा रहा है कि प्याज नहीं है, प्याज नहीं है। बाकी तो हम लोग कुछ पता कर भी नहीं सकते ना, हमारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। दिक्कत तो बहुत है, जैसे पहले सोचते थे प्याज के हिसाब से 20 रुपए अपन खर्च करें, अब 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो पूरे 80 रुपए के कारण बजट गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन उसका उपाय आम आदमी तो ये कर रहा है कि जैसे प्याज खाने के साथ प्याज खाता था एक्स्ट्रा, तो उसमें कटौती करके मूली खाने लग रहा है। प्याज की सब में जो जो जरूरी प्याज होता था जिस सब्जियों में, वो सब्जियों को अवॉइड करके दूसरी सब्जियां बना रहा है जिसमें प्याज कम लगे, या कोई बड़ी गाड़ी यूज करता था जिसमें डीजल पेट्रोल महंगा लगे, ज्यादा जलता है, तो छोटी गाड़ियों में करके किसी तरह अपना बजट एडजस्ट कर रहा है। इस हिसाब से अपना चला रहा है, इंतजार कर रहा है कि किस तरह प्याज सस्ती हो जाए कभी भी, तो फिर प्याज की तरफ जाए अपन। दिक्कत यही हो रही है कि प्याज अभी इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी अगर प्याज लेने जा रहा है तो उसको 100 रुपए किलो मिल रहा है। अब अगर एक आम आदमी 100 रुपए किलो प्याज लेगा तो क्या बनाएगा और क्या खाएगा? किसानों को तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है इन सब चीज़ों से। जो भी आ रहा है माल अभी, वो वैसे भी जिनके थ्रू आता है वो ऑलरेडी वैसे ही खा जाते हैं पैसा। हमारे तक कोई भी चीज़ पहुंचती नहीं, और पहुंचती तो बहुत महंगी आती है। हम सोचते हैं कि अभी प्याज ना लें और हम लेने की सोचते हैं, तो प्याज का तो ऐसा भाव है कि सच हम मूली ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं। अगर हम हमारे घर में सब्जी यूज़ करते हैं तो उसमें प्याज अभी नाम मात्र भी नहीं डाल रहे हैं हम लोग, तो इतनी परेशानी हो रही है। आवक ही नहीं, जो अच्छी प्याज बोल के आती है और यहाँ आधी खराब निकल जाती है, उसका असर तो ग्राहक पे आएगा ही। हम लोगों को कोई फर्क नहीं गिरता, महंगा लाएंगे महंगा बेचेंगे, सस्ता लाएंगे सस्ता भी। कभी कभी तो गलत का प्याज निकली तो पूरे पैसे हमारे ही डूब जाते। अब आवक कम है, अगर आती है अब सुधार ना होने के चांस नहीं है। तो अभी प्याज की कीमत 100 रुपए किलो है और बजट तो बिगड़ ही गया है पूरा है, क्योंकि मैं तो यहाँ से कम कई सालों से प्याज ले रहा हूँ, 20 रुपए किलो से प्याज ले रहा हूँ मैं। पहले 20 रुपए किलो में 5 किलो ले जाता था, अभी 1 किलो लेना पड़ रहा है, वो भी सब्जी में डालने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, और सब्जी बनाने के लिए प्याज जरूरी है, उसमें बगैर कोई टेस्ट ही नहीं आती है। तो कम से कम 30-40 रुपए किलो लेते थे, अब वापस आज 100 हो गया, तो एकदम 1 किलो भी लेना मुश्किल हो जाता है, काम पुरता नहीं ना। बजट किस तरीके से बिगड़ा है? बजट हम कम करते थे, प्याज का यूज ही कम करते, जो पहले बोलते ना 5 किलो लगता था, महीने में 1-2 किलो बहुत हो गया, तो वो अपने पैसे के हिसाब से बजट करना पड़ता है। बजट कम ज़्यादा कर नहीं सकते अपन ना। आपका नाम? मैं साहू जी, विलास साहू जी। ये असर पड़ा है सर जी कि जो 5 किलो लेने वाले हैं वो 1 किलो पे आ गए, बहुत ही फर्क गिर गया है, और प्याज इतना खराब निकल रहा है, एक कट्टे में 5-5, 10-10 किलो खराब निकल रहा है। 3400-3500 रुपये खरीदी ला रहे हैं और उसमें 10 किलो खराब निकल गया, तो पूरा उलाजी हो रहा है। क्या कारण है पता चला? वो तो कोई बोलते हैं पानी की वजह से लॉस हो गया है, पानी ज़्यादा गिरने से प्याज सड़ रहा है, ये कारण है। पानी से जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस वक्त।